good morning everyone welcome to your maths class uh, students in last class we have completed with the chapter number 14 from your maths textbook the name of chapter was geometry okay and in today's class we will be studying the new chapter that is chapter number 13 time okay in this cha uh, chapter we are going to study how to read the clock and then we are going to solve few examples exercises which are based on the time

पार्ट्स आर गिवन नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेल्व इसको पहले ट्वेल्व इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो भी वॉच होती है या क्लॉक होती है उसकी जो डायल होती है दिस इज़ कॉल डायल तो ये जो डायल होती है वो पहले हम उसको ट्वेल्व इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हर एक तो ये ऐसे ट्वेल्व इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं फिर हर एक पार्ट के वन टू ट्वेल्व में से नंबर दिए जाते हैं दिस दिस इज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सो दिस वन टू ट्वेल्व नंबर्स आर नथिंग बट दी आर्स दे रिप्रेजेंट आर्स वन आर टू आर थ्री आर फोर आर लाइक दिस एंड इट हैज़ टू हैंड्स ये जो क्लॉक है इसमें दो हैंड्स होते हैं वन इज़ आर हैंड द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड आर हैंड जो छोटी वाली सुई होती है छोटी वाली उसको बोलते हैं आर हैंड एंड द लॉन्गर हैंड इज़ नॉन एज मिनट हैंड जो लंबा वाला होता है नीडल उसको क्या बोलते हैं मिनट हैंड जो लंबी सुई होती है उसको बोलते हैं मिनट हैंड द शॉर्टर नीडल इज नोन एज आर हैंड एंड द लॉन्गर नीडल इज नोन एज मिनट हैंड सो आर हैंड रीड्स द आर ये जो आर हैंड है वो क्या रीड करता है आवर्स और जो मिनट हैंड है इट रीड्स द मिनट्स ओके सो यू ऑल मस्ट हैव लर्न हाउ टू रीड द क्लॉक इन स्टैंडर्ड थ्री ओनली यस? तो जैसे कि लाइक दिस इफ माई मिनट हैंड इज़ ऑन टवेल्व एंड आर हैंड इज ऑन टू द टाइम विल बी आर हैंड कहाँ पे है टू सो टाइम विल बी टू ओ क्लॉक एंड मिनट्स विल बी जीरो टू ट्वेल्व पे क्या होता है जीरो मिनट होता है एंड इफ़ योर मिनट हैंड इज ऑन वन एंड आर हैंड इज ऑन टू मिनट्स विल बी सॉरी टाइम विल बी टू ओ क्लॉक एंड हाउ मेनी मिनट्स वन इंटू फाइव फाइव मिनट्स मिनट हैंड जिस भी नंबर पे होता है उस नंबर को क्या करना होता है मल्टीप्लाई बाय फाइव यू हैल्टीप्लाई देट नंबर बाय फाइव ऐसे हम क्लॉक रीड करते थे इफ़ योर आर हैंड इज ऑन थ्री एंड मिनट हैंड इज ऑन टू सो टाइम विल बी थ्री ओ क्लॉक आर हैंड कहाँ पे है थ्री पे सो टाइम विल बी थ्री ओ क्लॉक एंड मिनट हैंड इज़ ऑन टू तो मिनट्स कितने होंगे टू को मल्टीप्लाई करो फाइव से टू इन टू फाइव टू फाइव जर टेन सो टाइम विल बी थ्री ओ क्लॉक एंड टेन मिनट्स यस अभी यहाँ पे देखो अगर मेरा आर हैंड फोर पे है और मिनट हैंड थ्री पे है वॉट विल बी द टाइम टाइम विल बी फोर ओ क्लॉक येस फोर ओ क्लॉक एंड मिनट हैंड इज ऑन थ्री मिनट हैंड कहाँ पे है थ्री पे है तो हमको मिनट हैंड जिस भी नंबर पे है उस नंबर को क्या करना है फाइव से मल्टीप्लाई करना है सो so थ्री को मल्टीप्लाई करो फाइव से सो थ्री इंटू फाइव सो टाइम विल बी फोर ओ क्लॉक एंड मिनट्स विल बी फिफ्टीन मिनट्स ओके फोर ओ क्लॉक एंड फिफ्टीन मिनट्स एंड इफ यू राइट इफ यू वॉन्ट टू राइट द टाइम इन सिम्बल वी राइट टाइम इन सिम्बल लाइक दिस इट इज फोर ओ क्लाक एंड फिफ्टीन मिनट्स है ना बिकॉज आर हैंड कहाँ पे है यहाँ पे आर हैंड इज ऑन नंबर फोर मिनट हैंड इज ऑन नंबर थ्री सो मिनट हैंड जिस भी नंबर पर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं फाइव से सो थ्री इंटू फाइव इट इज फिफ्टीन तो मिनट कितने होंगे फिफ्टीन अब इसको सिम्बल्स में लिखते हैं तो सिम्बल्स में कैसे लिखते हैं पहले आर्स लिखना है सो so, आरस में क्या है फोर सो राइट डाउन आर्स में फोर देन यहाँ पे ऐसे दो डॉट्स देते हैं उसको कोलन बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको कोलन फोर ओ क्लॉक इट विल रीड आर और इसके बाद वाला जो नंबर आता है दैट विल रीड द मिनट्स सो कितने मिनट्स है फिफ्टीन राइट डाउन फिफ्टीन ओवर हियर सो इट इज़ फोर फिफ्टीन ओके वर्ड्स में बोलेंगे फोर ओ क्लॉक एंड फिफ्टीन मिनट्स एंड सिम्बल्स में बोलेंगे फोर फिफ्टीन फोर मतलब फोर ओ क्लॉक आर में है फोर फोर आर्स मिनट्स में है फिफ्टीन फोर फिफ्टीन ओके लाइक दिस अभी देखिए और नाउ इफ योर मिनट हैंड मूव्स लाइक दिस सो व्हाट इज द टाइम ओवर हियर आर हैंड कहां पे है फोर पे मिनट हैंड कहाँ पे है फाइव पे तो मिनट हैंड जिस भी नंबर पे है उसको क्या करना है पहले तो फाइव से मल्टीप्लाई करो सो फाइव इंटू फाइव कितना आएगा फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव दैट मीन्स मिनट कितने हो गए ट्वेंटी फाइव और आर्स क्या है फोर दैट मीन्स फोर ओ क्लॉक एंड ट्वेंटी फाइव मिनट्स और इसको सिम्बल्स में लिखेंगे हम फोर ओ क्लॉक कोलन्स आर्स के बाद कोलन्स और फिर मिनट्स लिखो ट्वेंटी फाइव लाइक दिस लाइक दिस वी रीड द क्लॉक और इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे वर्ड्स में लिखेंगे फोर ओ क्लॉक एंड ट्वेंटी फाइव मिनट्स ओके लाइक दिस यू हैव लर्न हाउ टू रीड द टाइम इन क्लास थ्री ओके नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी इन मोर डिटेल अबाउट हाउ टू रीड द टाइम ओकेट स्टार्ट यहां तक तो सबको पता ही है कि कैसे रीड करना होता है मिनट हैंड और आर हैंड में से कैसे रीड करना होता है क्लॉक ये सबको आता ही होगा मैंने बस रिविजन लिया है एक बार ओके okay? In the figure on the right hand side is that of a watch its dial is divided into 12 equal big divisions labeled as 1 2 3 टू ट्वेल्व मैंने बताया था ना ये जो क्लॉक होता है या जो भी वॉच होती है उसकी हम जो डायल होती है ये जो इसको कहते हैं डायल उसको क्या करते हैं पहले ट्वेल्व इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ट्वेल्व इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो भी हर एक पार्ट को एक नंबर असाइन किया जाता है वन टू ट्वेल्व में से सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमेशा ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं उसको वन टू ट्वेल्व में से ओके okay? दिज नंबर्स रिप्रेजेंट्स आवर्स तो ये जो नंबर्स है वन टू ट्व हमारे वॉच में वो क्या रिप्रजेंट करते है? वो आवर्स रिप्रजेंट करते हैं देर आर फाइव इक्वल स्मॉल डिवीजन्स बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर्स सो इफ़ यू सी ओवर हीयर द डायल ऑफ द वॉच केयरफुली वॉट डू सी ओवर हीयर बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक आने वाले दो नंबर्स के बीच में वन टू थ्री फोर ऐसे दो नंबर्स के बीच में जो एक के बाद एक के वन आफ्टर दैट टू सो इन दो नंबर्स के बीच में उसमें फाइव स्मॉल डिवीजन्स है क्या है फाइव स्मॉल डिविजन्स है एंड दीज स्मॉल डिविजन्स आर रिप्रेजेंट दस द डायल इज डिवाइड इंटू सिक्सटी स्मॉल डिविजन्स ओके सो ये जो डायल है इसमें तो टू सक्सेसिव नंबर्स के बीच में क्या है फाइव स्मॉल डिविजन्स हैच स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट वन मिनट अगर यहाँ पर है मिनट हैंड तो इट इज़ फाइव मिनट प्लस वन मिनट दैट मीन्स सिक्स मिनट अगर यहाँ पर है तो वन वन से यहाँ पर आ गया है दैट मीन्स मिनट हैंड हैज़ मूव्ड फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस दैट मीन्स वो यहाँ से दो मिनट आगे चला गया है तो यहाँ पे था मतलब वन इंटू फाइव इट वॉज़ फाइव मिनट्स तो और दो मिनट आगे चला गया मतलब फाइव प्लस सेवन ऐसे यहाँ पर आ गया छोटी स्मॉल डिवीज़न थर्ड स्मॉल डिवीजन पे अगर मिनट हैंड है मिनट हैंड इज़ लाइक दिस अगर छोटे वाले थर्ड स्मॉल डिवीजन पे है तो यहाँ पे था दैट मीन्स इट वॉज फाइव मिनट्स प्लस इट हैज मूड वन टू थ्री थ्री स्मॉल डिविजन्स थ्री स्मॉल डिविजन्स में थ्री मिनट्स और एड करने हैं दैट मीन्स फाइव प्लस थ्री एट मिनट्स लाइक दिस सो ईच स्मॉल डिविजन बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर्स स्मॉल डिविजन्स जो रेड लाइन में यहाँ पे है ना स्मॉल डिविजन वन टू थ्री फोर फाइव सो दिस स्मॉल डिविजन्स रिप्रेजेंट द One minute okay, each small division means one minute okay and Here there are five equal small divisions between two successive numbers. Thus the dial is divided into 60 small divisions. So हर दो numbers के बीच में क्या है five small divisions है। और इसका मतलब ये हुआ जो हमारा watch या clock का dial है, उसको हमने 60 equal parts में divide किया है। जैसे ऐसे यहाँ से count करेंगे तो कितने ऐसे स्मॉल uh, divisions होंगे sixty स्मॉल divisions होंगे डायल के। पूरे डायल के कितने स्मॉल divisions बनाए sixty। यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट करेंगे इट विल मेक सिक्सटी स्मॉल डिवीजन दिस मीन्स वॉल वॉच और क्लॉक्स डायल इज डिड इंटू सिक्स एंडर इच स्म डिविजन रिप्रेजेंट मिनट मैंने पहले बताया था हर एक स्मॉल डिवीजन uh, का मतलब है एक मिनट एक स्मॉल डिवीजन मतलब एक मिनट दो स्मॉल डिविजन मतलब दो मिनट तीन हो गए तो तीन मिनट ओके okay? ऐसे दिस वॉच हैज टू हैंड्स अ लॉन्गर हैंड एंड अ शॉर्टर हैंड हमारे जो क्या बोलते हैं वॉच होती है उसमें दो हैंड्स होते हैं एक मिनट हैंड होती है एक आर हैंड होती है सो जो छोटी वाली हैंड होती है शॉर्टर हैंड इट इज नॉन एज आर हैंड एंड द बिगर हैंड इज़ नॉन एज मिनट हैंड दिस ओके ओके द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड आर हैंड एंड द लॉन्गर हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड द शॉर्टर हैंड टेक्स वन आर टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर ओके अगर हमें ये जो शॉर्टर हैंड है दैट मींस इट्स आर हैंड इफ इट हैज टू मूव फ्राम टू टू थ्री इट विल टेक वन आर अगर टू ओ क्लॉक से थ्री ओ क्लॉक होगा दैट मीन्स कितना टाइम स्पेंड हो गया वन आर स्पेंड हो गया मीन्स टू मूव दिस आर हैंड फ्राम वन number to the next number it will take complete one hour or it will take 60 minutes because there are 60 minutes in one hour okay so shorter hand takes one hour to move from one number to the next number while the longer hand goes once round the dial in one अब और आपको पता ही है ये जो मिनट हैंड है वो पूरे वन आवर में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है पूरे डायल का अगर वन ओ क्लाक से इफ़ योर आर हैंड इज मूविंग फ्रॉम वन टू टू दैट मीन्स योर मिनट हैंड हैज़ कंप्लीटेड द फुल रोटेशन ऑफ द डायल तभी तो आपका जो ये आर हैंड है इट विल मूव फ्रॉम वन ओ क्लॉक टू टू ओ जब आपका मिनट हैंड का पूरा एक रोटेशन कम्प्लीट होगा पूरे डायल का वॉच के तभी आपके क्लॉक का क्या होगा सिक्सटी मिनट्स कंप्लीट होगे या वन आवर कम्प्लीट होगा दैट मीन्स आपका आर हैंड प्रीवियस पोजिशन पे चला जाएगा नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट नंबर पे, ओके okay. वन से चला जाएगा टू पे, अगर आपका मिनट हैंड यहाँ से पूरा रोटेशन कंप्लीट करके फिर से ट्वेल्थ पे आता है दैट मीन्स योर आर हैंड मूव्ड फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर एंड इन वन आर योर मिनट हैंड कम्प्लीट्स द फुल रोटेशन ऑफ द डायल जैसे पूरे वन आवर में मिनट हैंड पूरा एक चक्कर कम्प्लीट करता है पूरे डायल का पर पूरे एक घंटे में आर हैंड है जो सिर्फ एक नंबर से दूसरे नंबर पर मूव करता है आर हैंड पूरे एक घंटे में एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाएगा पर मिनट हैंड जो है वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगा पूरे वॉच के डायल का ऐसे इस लाइन का मतलब है दस दस द मिनट हैंड कवर्स सिक्सटी स्मॉल डिविजन्स इन वन आर मतलब इसका क्या है जब आर हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर मूव करता है तो वो वन आर कंप्लीट करता है और मिनट हैंड पूरे डायल कंप्लीट करता है यानी वो पूरे सिक्सटी स्मॉल डिविजन्स कवर करता है क्योंकि हमारा जो ये क्लॉक है उसका आप डायल देखोगे तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू सिक्सटी स्मॉल डिविजन्स एंड योर मिनट हैंड इज़ कम्प्लीटिंग दी कवरिंग दी सिक्सटी स्मॉल डिविजन्स इन वन आवर आपका जो मिनट हैंड है वो पूरे एक घंटे में सिक्सटी स्मॉल डिविजन्स जो है वो सारे के सारे कवर कर रहा है कर रहा है इसका मतलब है वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स वन आवर कितने होते हैं वन आवर में कितने मिनट्स होंगे वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स नाउ रीडिंग टाइम टू फाइव मिनट्स करेक्टनेस नाउ वी विल रीड द टाइम टू फाइव मिनट्स करेक्टनेस ओके सीओ वही हो इन दिस फिगर द आर हैंड इज बिटवीन टू एंड थ्री इस जो ये जो फिगर दिखाई है यहाँ पर जो आर हैंड है वो दो और तीन के बीच में है टू और थ्री के बीच में है द मिनट हैंड इज एट सिक्स और मिनट हैंड इज एट सिक्स जो लॉन्गर नेडल है वो कहाँ पर है सिक्स के ऊपर है द टाइम इज थर्टी मिनट्स पास्ट टू टाइम क्या हो गया फिर जब भी आपकी मिनट हैंड सिक्स पे होती है सिक्स पे मतलब कितने मिनट्स हो गए सिक्स को फाइव से मल्टीप्लाई करो सिक्स इंटू फाइव थर्टी मिनट्स तो दैट मीन्स इट इज़ थर्टी मिनट्स पास टू मतलब टू ओ क्लाक होके थर्टी मिनट्स पास हो गए यानी टू ओ से थर्टी मिनट्स मिनट्स आगे चली गई है आपके मिनट हैंड और यू कैन रीड इट एज टू थर्टी या आप इसको बोल सकते हो टू थर्टी ओके ऐसे आप वर्ड्स में बोल सकते हो थर्टी मिनट पास्ट मतलब टू ओ क्लाक से थर्टी मिनट्स आगे चली गई है आपके मिनट हैंड और टू थर्टी या तो आप इसको बोल सकते हो टाइम को रीड करके कि इट इज़ टू थर्टी एंड इन सिम्बल्स यू विल राइट दिस नंबर एज आर्स में आर्स लिखो इट इज़ टू कोलन लगाओ फिर उसके बाद और फिर मिनट्स लिखो ठीक है जैसे हमने यहाँ पे किया था ऐसे पहले आर्स लिखो टू आर हैंड कहाँ पे टू को टू ओ पे टू ओ क्लॉक के ऊपर है आर हैंड डेट मीन्स इट्स टू और मिनट हैंड वॉज ऑन थर्टी तो मिनट्स में लिखो थर्टी ऐसे टू ओ क्लॉक एंड थर्टी मिनट्स एंड वर्ड्स में लिखते समय थर्टी है दैट मीन टू ओ के बाद कितने मिनट्स हो गए टू ओ क्लॉक के बाद थर्टी मिनट्स गुजर चुके हैं या थर्टी मिनट्स हो चुके दैट इज वाई वी विल राइट टू सॉरी थर्टी मिनट्स पास्ट थर्टी मिनट्स पास्ट टू ओ क्लॉक ऐसे आप वर्ड्स में लिखोगे थर्टी मिनट्स पास टू ओ क्लॉक या थर्टी मिनट्स पास टू और यू यू कैन राइट इट एज लाइक दिस टू थर्टी पहले आर्स लिखो टू है और फिर मिनट्स लिखो टू थर्टी या फिर वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हो कितने मिनट पास हो गए थर्टी दैट मीन थर्टी मिनट्स पास टू थर्टी मिनट्स पास टू ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो इट इज कॉल्ड हाफ पास टू इसको या आप बोल सकते हो हाफ पास टू हाफ पास टू मतलब थर्टी मिनट्स मीन हाफ ऑफ सिक्सटी मिनट्स थर्टी मिनट्स क्या होते हैं आधा हिस्सा होता है सिक्सटी मिनट्स का दैट इज वाई वी विल से हाफ पास टू एंड फिफ्टीन सॉरी एंड फ्टीन मिनट्स मींस क्वार्टर क्वार्टर ऑफ सिक्सटी मिनट्स दैट्स वाई फिफ्टीन मिनट्स अगर कवर होते तो हम बोलेंगे कि क्वार्टर पास टू अगर टू ओ क्लॉक एंड फिफ्टीन मिनट्स हैं वन फाइव फिफ्टीन मिनट्स है तो हम बोलेंगे क्वार्टर पास टू इन दिस फिगर द मिनट हैंड इज एट इलेवन एंड द आर हैंड इज बिटवीन फाइव एंड सिक्स अभी यह वाली फिगर देखो इसमें जो मिनट हैंड है सॉरी uh, मिनट हैंड कहाँ पे है इलेवन इलेवन के ऊपर है मिनट हैंड कहाँ पे है इलेवन के ऊपर इलेवन के ऊपर है मिनट हैंड मतलब हमें इलेवन इंटू फाइव करना है इलेवन इंटू फाइव विल बी फिफ्टी फाइव दैट मीन्स मिनट विल बी फिफ्टी फ़ाइव मिनट्स एंड आर हैंड इज़ बिटवीन फाइव एंड सिक्स आर हैंड कहाँ पे है फ़ाइव और सिक्स के बीच में है दैट मीन्स द टाइम विल बी फिफ्टी फाइव मिनट्स पास्ट फाइव मतलब टाइम क्या हुआ है फिफ्टी फाइव मिनट्स गुजर चुके हैं फ़ाइव ओ क्लाक हो के फाइव ओ के बाद कितने मिनट्स हो चुके हैं फिफ्टी फाइव मिनट्स डेट इज़ वाई ये इस ऐसे लिखते हैं फिफ्टी फाइव मिनट्स पास्ट फाइव या आप ऐसे भी लिख सकते हो फाइव फिफ्टी फाइव मतलब पहले आर्स वाला टाइम लिखो आर हैंड कहाँ पे है फाइव पे है तो फाइव और फिर मिनट्स लिखो फाइव फिफ्टी फाइव पहले आर्स लिखो और फिर मिनट्स लिखो फाइव फिफ्टी फाइव या ऐसे भी लिख सकते हो कितने मिनट्स हो चुके हैं फाइव ओ क्लॉक के बाद कितने मिनट्स हो चुके हैं फिफ्टी फाइव मिनट्स दैट इज वाई हम लिखेंगे फिफ्टी फाइव मिनट्स पास्ट फाइव एंड सिंबल्स में लिखेंगे पहले आर्स वाला टाइम लिखो फाइव कोलंस लगाओ फिर मिनट्स लिखो फिफ्टी फाइव मिनट्स फाइव फिफ्टी फाइव ओके okay. नाउ हम करेक्शन करने वाले हैं देखिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेइंग 55 फाइव मिनट्स पास्ट फाइव वी कैन ऑल्सो से फाइव मिनट्स टू सिक्स अगर हमें 55 फाइव मिनट्स पास्ट फाइव ओ क्लॉक है मतलब 55 फाइव मिनट्स पास्ट फाइव ओ क्लॉक का मतलब क्या है सिक्स ओ क्लॉक होने के लिए सिर्फ पाँच मिनट कम है इसके बाद आफ्टर फाइव मिनट्स द टाइम विल बी सिक्स ओ क्लॉक दैट इज़ वाई वी कैन राइट इट एज़ फाइव मिनट्स टू सिक्स कैसे लिखेंगे फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव मिनट्स टू सिक्स मतलब सिक्स ओ क्लॉक के लिए पाँच मिनट कम है बिकॉज इट विल बी सिक्स ओ क्लॉक आफ्टर मिनट हैंड फर्दर मूव्स फाइव स्मॉल डिविजन्स अभी मिनट हैंड इलेवन पे है दैट इज़ वाई इट इज़ फाइव ओ क्लॉक एंड फिफ्टी फाइव मिनट्स आफ्टर

ओके दैट इज वाई यहाँ पे हम बता सकते कि फाइव मिनट्स टू सिक्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग फिफ्टी फाइव मिनट्स पास्ट फाइव वी कैन राइट फाइव मिनट्स टू सिक्स नाउ रीडिंग टाइम टू द टाइम नियरेस्ट मिनट ओके इन दिस फिगर द आर हैंड इज़ बिटवीन 12 एंड 1 इट शोज दैट टाइम इज़ बिटवीन 12 ओ क्लाक एंड वन ओ क्लॉक अगर इस फिगर को केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे जो आर uh, हैंड है वो ट्वेल्व और वन के बीच में है दैट मीन्स टाइम इज़ बिटवीन ट्वेल्व ओ क्लॉक एंड वन ओ क्लॉक जो टाइम है वो ट्वेल्व और वन ओ क्लॉक के बीच वाला टाइम है द मिनट हैंड इज बिटवीन सेवन एंड एट और आप मिनट हैंड को भी देखोगे इट इज ऑल्सो नॉट एक्जैक्टली ऑन सेवन इट इज़ नॉट नीदर एग्जैक्टली ऑन सेवन नॉट एक्जैक्टली ऑन एट इट इज़ बिटवीन सेवन एंड एट मिनट हैंड जो है वो भी सेवन और एट के बीच में है एंड इट इज़ थ्री स्मॉल डिविजन्स अहेड ऑफ द नंबर सेवन और सेवन के आगे तीन छोटे डिविजन्स उसने कवर कर लिए हैं दैट मीन्स मैंने बताया था ना हर एक छोटी डिवीज़न का मतलब है वन मिनट तो उसने ऐसे तीन स्मॉल डिविजन्स कवर किए हैं सेवन से आगे दैट मीन्स सेवन ओ क्लॉक मीन्स सॉरी सेवन पे है मिनट हैंड मतलब कितने मिनट्स हो गए सेवन को फाइव से मल्टीप्लाई करो सेवन फाइव ज़्यादा थर्टी फाइव मिनट्स हो गए सो थर्टी फाइव मिनट्स और उसके आगे तीन छोटे स्मॉल डिविजन्स कवर किए दैट मीन्स वन टू थ्री मतलब थ्री मिनट्स और जोड़ने हैं सो थर्टी फाइव मिनट्स प्लस थ्री दैट मीन्स टाइम विल बी थर्टी एट मिनट्स क्या टाइम होगा थर्टी एट मिनट्स तो हम कैसे लिखेंगे थर्टी एट मिनट्स पास्ट ट्वेल्व कैसे लिखेंगे थर्टी एट मिनट्स पास्ट ट्वेल्व या आप लिखोगे ट्वेल्व थर्टी एट आर्स में क्या है ट्वेल्व और मिनट लिखेंगे थर्टी एट उसके बाद ट्वेल्व थर्टी एट एंड सिंबल्स uh, में लिखेंगे ट्वेल्व कोल्स फिर मिनट्स लिखेंगे थर्टी एट ओके सो इसका मतलब ऐसे है मैं इस इसमें एक्सप्लेन करती हूँ आपको जैसे आपका आर हैंड इज बिटवीन ट्वेल्व एंड वन आर हैंड कहाँ पे है ट्वेल्व और वन के बीच में है सो so, टाइम विल बी बिटवीन ट्वेल्व ओ क्लॉक एंड वन ओ क्लॉक बट हम क्या करेंगे टाइम लिखते समय आर हैंड इज बिटवीन टवेल्व एंड वन बट हम आर्स में क्या लिखने वाले हैं ट्वेल्व ओ क्लॉक ही लिखेंगे क्या लिखेंगे ट्वेल्व ओ क्लॉक घड़ी में बारह ही बजने हैं अभी तक एक बजे नहीं है एक बजने में टाइम है क्योंकि अभी जो मिनट सॉरी आर हैंड है वो वन से पीछे है दैट मीन्स वन ओ क्लॉक अभी बजे नहीं पर बारह बज चुके हैं और बारह से बारह से हट के कुछ और मिनट हो गए बारह ट्वेल्व ओ क्लॉक से आगे कुछ और मिनट गुजर चुके हैं ऐसे टू ठीक है सो मैंने आर हैंड इज बिटवीन ट्वेल्व एंड वन मतलब आर्ज में है टाइम ट्वेल्व आर्ज में क्या लिखेंगे ट्वेल्व और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर है सेवन और एट के बीच में है ये जो मिनट हैंड दिख रहा है वो सेवन और एट के बीच में आ रही है तो सेवन और एट के, तो के बीच में आ रही है मतलब सेवन सेवन पे आती है तब कितने मिनट्स होते हैं जब मिनट हैंड सेवन पे होती है दैट मीन्स हाउ मेनी मिनट्स विल रीड सेवन इंटू फाइव करो सेवन इंटू फाइव सेवन फाइव ज थर्टी फाइव थर्टी फाइव मिनट्स हो चुके हैं पर उसके आगे भी सेवन के आगे उसने कितने स्मॉल डिविजन्स कवर करे है? वो देखो वन टू थ्री थ्री स्मॉल डिविजन्स कवर किए थ्री स्मॉल डिविजन्स मतलब एक डिविजन मतलब एक मिनट दो डिविजन्स मतलब दो मिनट तीन डिविजन्स मतलब तीन मिनट्स मतलब थर्टी फाइव मिनट्स प्लस ये थ्री मिनट्स ऐड करने हैं सो थर्टी फाइव में प्लस ये थ्री मिनट्स ऐड करो थर्टी फाइव प्लस थ्री थर्टी एट डैट इज़ वाई यहाँ पर जो टाइम है वो क्या आएगा ट्वेल्व ओ क्लाक एंड थर्टी एट मिनट्स तो आप ऐसे लिखोगे वर्ड्स में कैसे कैसे लिखना है उन्होंने बताया वर्ड में लिखना है तो लिखेंगे कहाँ पे लिखें है थर्टी एट मिनट्स पास ट्वेल्व ट्वेल्व ओ क्लॉक होकर कितने मिनट्स हो चुके हैं थर्टी एट तो ऐसे लिखेंगे थर्टी एट मिनट्स पास ट्वेल्व या ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वेल्व थर्टी एट ट्वेल्व मतलब आवर्स है और थर्टी एट मतलब मिनट्स है और सिंबल्स में मैंने पहले भी बताया कैसे लिखना है तो ऐसे करके हम नियरेस्ट मिनट को कैसे टाइम रीड uh, करना है वो सीखेंगे यानी जब मिनट हैंड आपका एग्जैक्टली exactly किसी नंबर पे नहीं होता है दो नंबर्स के बीच में होता है तब मिनट कैसे रीड करने हैं ये अब हम सीखेंगे इसमें इसमें ठीक है जैसे सिक्स और सेवन के बीच में है तो देखना है कि कितने स्मॉल डिविजन्स कवर करें मिनट हैंड अगर आपका सिक्स और सेवन के बीच में है तो तो देखना है कि पहले तो मिनट हैंड कौ, कौन से स्मॉल डिवीजन पे है यहाँ पे देखो वन और टू टू स्मॉल डिविजन्स पे है सेकेंड वाली स्मॉल डिविजन्स पे है तो सिक्स पे जब मिनट हैंड आती है तब कितने मिनट्स होते हैं सिक्स इंटू फाइव थर्टी मिनट्स होते हैं दैट मीन्स थर्टी मिनट्स प्लस ये दो स्मॉल डिविजन्स ऐड करो थर्टी प्लस टू थर्टी टू मिनट्स होंगे ठीक है जितने भी स्मॉल डिविजन्स होंगे उनको काउंट करो और उनको मिनट्स में ऐड करो ऐसे हमको नियरेस्ट टाइम रीड करना सीखना है ओके नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल्स बेस्ड ऑन ओके